एपिलेप्सी इज 100% क्यूरेबल विदाउट मेडिसिन। इसके मुख्य चार कारण है ये बीमारी के आने के, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमेजिनेशंस, नेगेटिव इमोशंस एंड फियर या फोबिया। मेरा नाम कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 साल से हम लोग 50 से ज़्यादा बीमारी पर रिसर्च करते हैं जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करते हैं, जैसे कि माइग्रेन, अर्थराइटिस, एपिलेप्सी, स्टैम्बरिंग, ड्रग एडिक, अल्कोहलिक, सिजोफोनिया, ADHD, ऑटिज्म, पार्किंसन, अल्जाइमर, ऐसे बहुत सी बीमारी है जो बगैर दवाई के भी ठीक होती है। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी को, हिंदी में मिर्की बोलते हैं, फिट्स भी बोलते हैं। ये बीमारी से 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में इससे अफेक्टेड है और इंडिया में ये बीमारी बहुत जोरों से फैल रही है। ये बीमारी आती क्यों है? इसकी बुनियादी कारण 50 से ज़्यादा है, फिर भी आज मैं कुछ बताऊंगा कि सबसे पहले घबराहट होना, फिर ज़्यादा सोचना, हेल्पलेस फील करना, कन्फ्यूजन रहना, इनडिसिजन रहना, टेंशन रहना, स्ट्रेस रहना, बचपन में माइंड डिस्टर्ब रहना, हम लोग उसको बोलते हैं चाइल्डहुड हार्डशिप, पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट होने या डिसिप्लिन होने, और पुरानी यादें बहुत ख़राब रहनी, और फेलियर का एहसास रहना, रिजेक्शन का एहसास रहना, ऐसे बहुत से कारण हैं ये बीमारी के आने की, और ये सब मानसिक है। ऐसे पेशेंट्स की लाइफ बड़ी डिस्टर्ब रहती है, वो कभी अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, अकेले रह नहीं सकते हैं, वो ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, उनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है, और इतना सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेनिटी आती है कि वो कोई भी लंबे समय तक काम भी नहीं कर सकते। इसमें कोई भी तरह की मेडिसिन का कोई बड़ा रोल नहीं है, एलोपैथी बोल दो, होम्योपैथी बोल दो, आयुर्वेदी बोल दो, कुछ नहीं है। यह मेडिसिन खाली एक जीरा गोली टाइप काम करती है, एक तरह का इसको पैसिबो इफेक्ट बोलते हैं कि मैं दवाई खा रहा हूँ अब मेरे को एपिलेप्सी का अटैक नहीं आएगा। तो ये जो मन में बैठा हुआ रहता है कि मैं दवाई खा रहा हूँ और मेरे को एपिलेप्सी का इफेक्ट नहीं आएगा, वैसे ये दवाइयों का इफेक्ट होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में पैसिबो इफेक्ट बोलते हैं। हमने एक नया टेस्ट डेवलप किया है जिसका नाम हमने माइंड मैपिंग रखा है, इसमें वो सब कारण के जानकारी होती है कि एपिलेप्सी के रूट कॉज क्या है। दूसरा, मैं किसी भी फैमिली को 10 घंटे में कन्विंस कर सकता हूँ कि ये बीमारी ठीक हो सकती है बगैर दवाई की।